हाउ टू कनेक्ट एंड चार्ज डीज़ो वॉच टू तो गैस अगर आपने डीज़ो वॉच टू परचेस किया है या परचेस करने का सोच रहे आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई डीज स्मार्ट वॉच आपने परचेस किया है या परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में आप अवेयर नहीं हो कि अपने इस स्मार्ट uh, वॉच को कनेक्ट कैसे करना है उसके बाद इसको चार्ज कैसे करना है जिससे कि स्मार्ट वॉच चार्ज भी हो जाए तो यहाँ पर स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए टॉपिक मैं कवर करने वाला हो वैसे स्मार्ट वॉच को लेकर मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ तो आप जाके भार जाके वीडियो सेक्शन्स में चेक इट आउट कर सकते हैं वैसे स्मार्ट वॉच को लेकर मैंने बैटरी इंटरेस्ट का टॉपिक भी कवर किया तो वो भी आप जाके चेक इट आउट कर सकते हैं स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए टॉपिक मैं कवर करो कि इसे कनेक्ट करके चार्ज कैसे करना है तो बेसिकली जो स्मार्ट वॉच है ये रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़रा ट्रेंड है ये स्मार्ट वॉच इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग मैं स्मार्ट वॉच को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़रा पसंद है बट स्पेशली यहाँ पर कई सारे यूजर्स जिन्हें प्रॉब्लम होता है कि ये जो स्मार्ट वॉच है कि इसे चार्जिंग पे कैसे सेट करना है उसे कौन से चार्जर से चार्ज करना है सो लेट्स स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको गाइस से स्मार्ट वॉच को परचेज़ करना है तो आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं छब्बीस सौ रुपये का ये स्मार्ट वॉच है और आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा सो so गैस अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है तो स्मार्ट वॉच को सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है विच इज डीजो तो जो डीजो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा इस आप एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना अगर आप डीजो के स्मार्ट वॉचेस को परचेस करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आप अपने स्मार्टफोन को ईजीली कंट्रोल कर कंट्रोल और कनेक्ट कर और कुछ सिस्टम से जो आप प्ले कर पाओगे तो कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको कनेक्ट डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा इस पर टैप करके यहाँ पर आपको टॉप साइड में स्कैनर दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है और स्कैनर से आपको इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर लेना है यानी कि इसको तो कनेक्ट कर लेना है तो इसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के यहाँ पे एंड में और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्यू आर कोड का ओके सो लेट मी शो यू पर आपको क्यू आर कोड का एक ऑप्शन इस पर टैप करना है या कोड आ जाएगा और बाद इससे, इससे तो 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 उसके बाद आपको डायरेक्टली इससे इससे कनेक्ट कर लेना है लाइक दिस तो लेट्स में इसे कनेक्ट कर लेता हूँ पहले तो जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे देन उसके बाद आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन आ जाएगा देन उसके बाद आपको राइट वाले पे टैप करना है और इसे कनेक्ट कर लेना है यहाँ से अब डायरेक्टली अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको स्टार्ट करें जैसे आपका स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा देन उसके बाद आप इजीली अपने मोबाइल से ही स्मार्ट वॉच के आधे से आधे फीचर्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे अब उसके बाद आप इजीली अपने नोटिफिकेशंस को अपने स्मार्ट वॉच पर आप ला सकते हैं व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल आपको नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाके सारे सेटिंग्स को ऑन कर देना है उसके बाद आपको जो जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपके स्मार्ट वॉच पर आए तो उस सेटिंग्स को आप सिंपली यहाँ से ऑन कर सकते हो नोटिफिकेशंस के सेटिंग्स तो इवन आप एक बार आपने कनेक्ट कर लिया देन उसके बाद आप अपने म्यूजिक को भी यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे इसमें यह फीचर नहीं है सिर्फ आप कंट्रोल कर पाएंगे प्ले पॉज कर पाएंगे वॉल्यूम ज़्यादा कम कर पाएंगे दैट्स अबाउट अब उसके बाद यहाँ पर इस डीज़ो वॉच को चार्जिंग पे कैसे कनेक्ट करना है तो चार्जिंग के लिए आपको इस डीज़ो वॉच टू के साथ में एक केबल आता है उस केबल से आप इजीली अपने डिजो वॉच टू को चार्जिंग पे यानी कि यूज़ कर सकते हो सो लेट मी शो यू तो इसके साथ में एक केबल आता है इस केबल से आप अपने स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं और मेक श्योर sure इसके साथ में कोई एडिप्टर नहीं आता है तो इसे अगर आपको चार्ज करना है तो आप अपने मोबाइल के चार्जर का यूज़ करके चार्ज कर सकते हो तो सिंपल सा आपको इसे इसमें कनेक्ट कर देना लाइक like दिस और उसके बाद आप इसे इजिली एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली अपने इसे चार्जिंग पे सेट कर देना है तो इसका जो चार्जिंग है ये एक तरीके से मैग्नेटिक है ओके okay? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है तो ये मैग्नेटिक है यहाँ से आपको डायरेक्टली चार्जिंग पे सेट कर देना है और यहाँ पर जैसे चार्जिंग से सेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिख जाएगा ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस सो ओवरऑली आई होप आप समझ ही गए होगा किस तरीके से उसको चार्जिंग पे सेट करना है और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाएगा जीरो परसेंट होने के बाद भी ये थोड़ा सा रन करता है उसके बाद ही यह स्विच ऑफ होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा सो ओवरऑली यू कैन सी वाइट हियर सो ये चार्जिंग पे है और ये चार्जिंग अभी हो रहा है इज ऑल अबाउट तो बस इसी तरीके से आपको डीजो वॉच को कनेक्ट करना है और उसके बाद इसे चार्जिंग पे सेट कर लेना है तो कुछ भी अगर आपको डाउट रिंग क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरा अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हो कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हो सो इस डिजो वॉस टू का अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो इट आउट करना है तो आप वीडियो सेक्शन में चेक इट आउट कर सकते हैं थैंक यू